आप देख रहे हैं P21 न्यूज़ चैनल। आज की मुख्य खबर, थाना सदर बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। अब खबर विस्तार से, सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर छोटी लाइन माल गोदाम रोड क्षेत्राधिकारी GRP कार्यालय के पास से 3 शातिर वाहन चोर अमरदीप पुत्र स्वर्गीय पहल सिंह निवासी ताहरपुर थाना कोतावली देहात जिला सहारनपुर, अंकित कुमार पुत्र स्वर्गीय हुकम सिंह निवासी ताहरपुर थाना कोतवली देहात जिला सहारनपुर, खुशपाल पुत्र सोमपाल सिंह निवासी RK पुरम कॉलोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस जिन पर धोखा देने की नीयत से फर्जी नंबर प्लेट लगी है तथा 1 अदद चाकू नाजायज बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण से पूछताछ करके इनकी निशाहदेही पर रेलवे कॉलोनी के खाली पड़े खंडरों से चोरी की अन्य 8 मोटरसाइकिलें जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी करना बताया है बरामद की गई है। सहारनपुर से मोहम्मद अली मिर्ज़ा की रिपोर्ट। ये थाना सदर बाजार पुलिस ने 3 साथी वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुछ मोटरसाइकिलें कनेक्ट हो गई हैं उनके मालिकानों द्वारा विभिन्न थानों में वाहन चोरी का मुकदमा लिखाया गया है। कुछ मोटरसाइकिलों का अभी इंजन नंबर चेसिस नंबर के आधार पर चेक किया जा रहा है, उनके स्वामियों को बुलाया जा रहा है उनके गाड़ियों के बारे में। ये बहुत ही एक्टिव वाहन चोर हैं और ज़्यादातर जो इन्होंने चोरी की है आसपास के थाना क्षेत्रों में कुतुब शेर जनकपुरी और सदर बाजार क्षेत्र में की है। इनका जो चोरी करने का तरीका है, ये गाड़ी चुरा के और गांव देहात में सस्ते दामों में बेच देते हैं, 5 से 10 हज़ार में बेच देते हैं। ये इसमें जो हमें सफलता मिली थी, एक वाहन चोरी करते समय इनके कुछ CCTV फुटेज में इनके कुछ हुलिया आ गए थे, उस आधार पर सदर बाजार पुलिस ने काम किया है और इनकी गिरफ्तारी की है। इन एक्टिव चोरों के पकड़े जाने से वाहन चोरी के जो अपराध हो रहे हैं उसमें प्रभावी अंकुश जरूर स्थापित होगा। इनमें काफ़ी है, आप देखेंगे इनके सभी पे कम से कम 5-5 मुकदमे दर्ज हैं वाहन चोरी के और इन पे हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी 3 साथी जो इनका 3 का गैंग था वो पकड़ा गया है, एक और इन्हीं के द्वारा एक ग्रुप और बताया गया, एक गैंग और बताया गया, उस पर भी हम काम कर रहे हैं।